आपको मैं इसके एम्पेयर दिखाता हूँ, बाईफिशियल है इस वक्त, ये डीसी के ऊपर 11.5 एम्पेयर दे रहा है, मौजूद है इस वक्त जो आ रहे हैं, ये बाईफिशियल है। पैनल ऊपर दिखाना निशान, जरा इनको पैनल के बारे में ज़रा दिखाना। ये बाईफिशियल है, डबल साइड वर्क करता है, फ्रंट से भी और बैक से भी, ठीक है। अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक कराता हूँ, ये कैमरा पास ला के ज़रा दिखाओ अपना ये एम्पेयर। ये एम्पेयर इस वक्त 11.40 दे रहा है। अब ना ये खोला इसका निशान, इसके वोल्टेज चेक करा, मैं आपको इसके वोल्टेज चेक कराता हूँ। अभी हालांकि क्लाउडी है, आप देख लें, वेदर क्लाउडी है आज, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम मिला हमें क्लाउडी। अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक कराता हूँ, ये प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ। आपको पता है फार्मूला जो करंट का है वो इसी तरह से है, प्लस का जो करंट एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। ये देखें, ये इस वक्त जो रिजल्ट दे रहा है वो 43 बाय 7, यानी कि 43.7 का जो है ना वो वोल्टेज आ रही है इस वक्त। अब 11.4 को मल्टीप्लाई बाय 43.7 करें तो 500 वाट से ऊपर है। ये शॉर्ट सर्किट के ऊपर रिजल्ट जो है ना वो आइडियल दे रहा है। मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ, ये इंस्टॉलेशन है, अबाउट टू कम्प्लीट है। बाईफिशियल पैनल है, राइजन का, डबल साइड वर्क करता है ये, 5 किलोवाट का यूनिट है। नाइट्रोक्स इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। राइजन का ये पैनल है, लाहौर में ये सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये हमारी इंस्टॉलेशन क्राइटेरिया है। डक्ट पट्टियाँ, पाइप्स वगैरह लगा के, केबल टाइज लगा के इंस्टॉलेशन करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ नाइट्रोक्स इन्वर्टर, ये तकरीबन 1,26,000 रुपये का इन्वर्टर है, बिल्कुल लेटेस्ट है। अभी ये कुछ देर में इंस्टॉल भी कर लेंगे, फिर मैं इसकी वीडियो जो है ना रिजल्ट्स की भी बना दूंगा। नाइट्रोक्स 5 किलोवाट।